બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો સેલવાસની. સેલવાસ ખાતે પાર્ટનરની ખોટી સહીઓ કરી 1.51 કરોડની છેતરપિંડીનો મામલો પોલીસ મથકે નોંધાઈ. સેલવાસ ખાતે પાર્ટનરની ખોટી સહી કરી 1,51,000 કરોડની છેતરપિંડીનો મામલો પોલીસ મથકે નોંધાય છે. પ્રાપ્ત વિગત મુજબ સેલવાસ ખાતે રહેતા અને શ્રી નકોડા એન્ટરપ્રાઇઝ નામની કંપનીનું સંચાલન કરતા 4 પાર્ટનર હતા, જેમાં મોહનલાલ કેશુરામ માલી, પ્રમિલા મોહનલાલ માલી, નિર્મલા રમેશ દોશી અને રીતેશ રમેશ દોશી હતા, જેઓની આપસી સમજૂતી બાદ 14/8/2018 નદીને 2 પાર્ટનર નિર્મલા અને રીતેશ અલગ થયા હતા. જોકે ખોટા દસ્તાવેજો અને ખોટા પાર્ટનરને ઊભા કરી એ HDFC બેંક પાસે 1.51 કરોડની લોન જેઓએ 9/9/2016 લીધી હતી. હાલ પાર્ટનરમાંથી છૂટા પડેલા મોહનલાલ માલી લોન લેવા એક બેંકમાં ગયા ત્યારે એમની સાથે ગત સમયના લોન લીધી હોવાની વાત સામે આવી હતી. વધુ તપાસ કરતાં ખોટી સહી અને ખોટી રીતે પલક રીતેશ દોશીની કંપનીમાં પાર્ટનર હોવાનું જણાવ્યું હતું, જેની ફરિયાદ મોહનલાલ કેશુરામ માલી દ્વારા IPC 1860 ધારા મુજબ 420, 465, 467, 468, 471 અને 34 મુજબ આરોપી રીતેશ રમેશ દોશી, નિર્મલ રમેશ દોશી અને એમની પાર્ટનર તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ પત્ની પલક રીતેશ દોશી વિરુદ્ધ સેલવાસ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મુકુલ યાદવ, ZSTV, સેલવાસ. धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है 9/9/2016 को. रितेश दोषी मेरा पार्टनर था और इस कंपनी श्री नागपुर एंटरप्राइज के 4 पार्टनर थे हम लोग. मैं मोहनलाल माली, केशवराम माली, मेरी मिसेस प्रमिला मोहनलाल माली, रितेश दोषी, रमेश दोषी और श्री निर्मला जी दोषी, रमेश दोषी, 4 पार्टनर थे. तो 9/9/16 के दिन रितेश ने उसके लोन के लिए एप्लीकेशन करी बैंक को और उस दिन मेरी वाइफ थी हॉस्पिटल में, मेरे बेटे का बेटा हुआ था. हॉस्पिटल का नाम गुरु कृपा में सुबह से वो थी और उस दिन मैं भी बाहर था, आउट ऑफ वापी था समझो, मतलब वलसाड या सूरत गया था. रितेश ने 2015 से थोड़ा सा हमारा अनबन चालू हुआ तो उसने कुछ उसके ऊपर जमीन उन परचेज करी तो उसको अलग होने की दिमाग में चल रही होगी. मैं रोज़ बिजनेस के लिए मार्केट के लिए सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर जाता था तो यहाँ बैठे बैठे प्लानिंग करता रहता. और मेरा बेटा कोई इतना ज्ञान था नहीं, ये फ्रेश पढ़ के आया तो उसने ज़मीन ली दादरा में रिद्धि सिद्धि इंडस्ट्री के नाम से और उसने 1,51,00,000 का लोन की एप्लीकेशन बैंक में करी और हम दोनों को गारंटर HDFC बैंक सिलोसा ब्रांच, ठीक है. तो वहाँ हम चारों गए, हमारी हम नाकोड़ा का भी अकाउंट HDFC बैंक में है तो उस बेस से उसने 151,00,000 का लोन लिया और मेरे को, मेरी वाइफ को गारंटर बनाया और एक तरफ विटनेस भी बनाया और उसने उसकी वाइफ को 5वां पार्टनर भी बैंक एग्रीमेंट में शो किया और उसने स्टैम्प लगे सिग्नेचर किया. तो अब उसका जैसे अलग होने का प्रोग्राम बना उसका तो वह डिवीज़न कर लें तो हमारे डुंगरा गांव है पास में, वहाँ एक छोटी छोटी दो चाल है मतलब बिल्डिंग टाइप. तो वो बोले कि मैं बिल्डिंग ले लेता हूँ, आप भैया कंपनी ले लो. मैं ठीक है, मैं कंपनी ले लेता हूँ. तो मैंने कहा मेरे को कमरे चाहिए आदमी के लिए, तो बोला कि नहीं कमरे नहीं दूँगा. मैंने कहा मेरे को तो चाहिए, तो बोला कि नहीं आप एक काम करो एक बिल्डिंग पूरी ले लो. तो उसकी वैल्यू उसने बोली, बोला 1,10,00,000. तो मैंने कहा चलो ठीक है. तो 35,00,000 तो मैंने कहीं से हमारे आप कलेक्शन करके 35 हमारा आपस में समझौता कर कर दिया पूरा और बाकी पैसा था तो उसके लिए हमने बिरला, नाम बताओ, बिरला आदित्य बिरला से वो आए थे दो बंदे हमारे इंटरव्यू लेने के लिए और फाइल देखने के लिए. तो उन्होंने फाइल देखी तो बोले कि भाई आपका किसी के साथ बड़ी गारंटी में आपका चल रहा है, आपका सिविल के थ्रू मालूम पड़ रहा है, तो आप भरपाई उस लोन की करोगे या ऐसी करोगे. तो सुबह रिद्धि सिद्धि HDFC बैंक से तलाश करी तो बोले कि रितेश दोषी की,
तो वहाँ पे मालूम पड़ा इसकी कौन लाश, तो इसने क्या क्या मेल किया बैंक को कि हमें ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो नीरज ने ताबड़तोड़ में रितेश को फ़ोन किया कि पापा के लोन में अड़चन आ रही भैया, आपका पापा की गारंटी दिख रही है। तो रितेश ने बोला कि पापा की भाभी की मैंने कोई गारंटी नहीं ली है। तो मैंने की गारंटी नहीं ली तो भाई आगे क्या करना। इसने ताबड़तोड़ में मैंने कहा भाई जो चेक दिया हमने वो चेक का रुकाओ कि और कौन कौन सा हमारे साथ फ्रॉड किया है उसने। हमने पंजाब नेशनल बैंक में लोन ले रखा, वहाँ एप्लीकेशन लगाई कि मैं नाकोड़ा का पार्टनर हूँ, जबकि वो पैसे लेने का हकदार था और रिटायर हम लोग रिटायर हो चुका है, रिटायर डीड है, पार्टनरशिप डीड है और उसकी बीवी पार्टनरशिप पार्टनर दिखी हमको, उसकी वाइफ पार्टनर दिखी। तो वहाँ से डिस्प्यूट खड़ा हो गया। हम बैंक में गए तो बैंक हमको कोई भी पेपर दिखाने के लिए तैयार नहीं। फिर वो बोले कि पुलिस में चलो, महाजन साहब के भी महाजन जी पीआई सिलवास के पूरी टीम वहाँ चले गई। महाजन साहब बोले कि मोहन माली आप बैंक में मत जाना, हम पेपर मंगवा के देखते हैं क्या है। हमने एप्लीकेशन करी, मैंने सर हमने इनका लोन पे सिग्नेचर नहीं किया, न गारंटी भरी, ना मैंने इसको कोई पेपर दिया, मेरे डॉक्यूमेंट भी ऐसे चुरा के ले गया हो, मेरे को आज तक हिस्ट्री है ना उसके लोन पे मैंने कभी साइन किया, इसने सिग्नेचर उनके किए नहीं और मेरे गुनों पे चाहिए, बैंक में क्यों जाएगी। तो जब बैंक से हमारे पास वो उसका लोन का एग्रीमेंट लेटर आया, दिखा, मैंने देखा तो मेरा सिग्नेचर है ही नहीं, वो इनका सिग्नेचर है ही नहीं। फिर हमने इनको पुलिस में रिपोर्ट करी तो पुलिस ने हमारी कुछ सुनी नहीं कि हम जाँच कराएंगे जाँच कराएंगे। डिप्टी साहब के पास गया, एसपी साहब के पास, दराड़े साहब हैं उनके पास भी गया 2018 में। फिर हमने FLC हमारी जांच भी करी पूना, पूरा मिसमैच आया, पुलिस ने भी जांच कराई, परसों हमारी FIR लिखी गई। जैसे अभी परसों FIR दर्ज हुई है उसमें किसको किसको आरोपी बनाया गया? उसमें बनाया रितेश रमेश दोषी, निर्मला जी रमेश दोषी वाइफ और पलक रितेश।